हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, गर्मियों का सीजन आ रहा है, गर्मियों में सब्जियों की थोड़ी सी प्रॉब्लम ही रहती है, तो आज हम आपके लिए आलू और प्याज से सब्जी लेके आए हैं। आलू दो प्याज बनाने में बहुत ही आसान है और सभी की बहुत फेवरेट होती है, तो आइए फ्रेंड्स आलू दो प्याज बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू दो प्याज बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच काजू के टुकड़े लिए हैं, इनको हमने अच्छे से धो के रखा है और साथ ही हम डाल रहे हैं 1 चम्मच मगज के बीज। हमने यहाँ पे लिया है 3/4 कप दूध, ये गरम दूध है। गरम दूध में हम काजू और मगज के बीज को भिगो देंगे और इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। आलू दो प्याज बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 2 आलू, 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन ये हमने छील के रखा है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ये भी हमने छील के रखा है, 4 हमने प्याज लिए हैं। इन सभी सब्जियों को हम छील लेंगे और कट कर लेंगे। आलू दो प्याज बनाने के लिए हमने सभी सब्जियों को कट कर लिया है। देखिए, आलू हमने कट कर लिए हैं, आप जैसा चाहे वैसा कट कर सकते हैं। हमने आलू को थोड़ा बड़े साइज में कट किया है और सब्जी में डालने के जो हमने प्याज कट किए हैं वो इस तरह से बड़े कट किए हैं। इसका बीच वाला जो पार्ट है वो हमने निकाल दिया है, नहीं तो सब्जी में छोटे छोटे प्याज अलग से दिखेंगे। ये हमने प्यूरी तैयार करने के लिए प्याज कट किया है। हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, सभी सब्जियां हमारी तैयार हैं। आइए अब हम सबसे पहले काजू को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडिंग जार के अंदर हम काजू और मगज के बीज जो हमने भिगो के रखे थे सभी चीजों को डाल देंगे और फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। काजू और मगज के बीज को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। देखिए, बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हुआ है, बाउल में निकाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को ग्राइंड कर लेंगे, साथ ही हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। हमने अदरक के जो पीसेस करके रखे हैं वो भी हम इसी में डाल देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। प्याज को भी हम बाउल में निकाल देंगे। हमने बिना पानी के ही इसका पेस्ट तैयार किया है, पानी नहीं डाला है। तैयार किया हुआ प्याज का पेस्ट हमने बाउल में निकाल दिया है। अब टमाटर को भी हम जार में डाल देंगे और ग्राइंड कर देंगे। टमाटर की प्यूरी को भी हमने बाउल में निकाल दिया है। अब हमने जार में 1/2 कप पानी डाल दिया है, इससे जार को हम अच्छी तरह से धो लेंगे, ये पानी हमारे सब्जी बनाने के काम आ जाएगा। अभी हमारा लहसुन रह गया है, लहसुन को हम कूट लेंगे। आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं। आलू दो प्याज बनाने के लिए हमारी सभी सब्जियां रेडी हैं, आइए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। लगभग 2 बड़े चम्मच के आसपास हमने सरसों का तेल डाल दिया है। गर्म होने देंगे, ऑयल गर्म हो चुका है, गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे और आलू जो हमने काट के रखे हैं उनको हम ऑयल में डाल देंगे। आलू को हमें ऑयल में फ्राई कर लेना है, गोल्डन कलर आने तक हमें इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए, आलू को हमने फ्राई कर लिया है और लगभग 5 मिनट के आसपास हो चुके हैं मैं आलू को फ्राई करते हुए। जैसे पकौड़े तलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है। आलू एकदम सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए, प्याज भी फ्राई हो गया है, सभी शेल अलग अलग हो गए हैं और कलर भी चेंज होने लग गया है। बस प्याज को हमें इतना ही पकाना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। आलू दो प्याज सब्जी बनाने के लिए हमारे आलू और प्याज रेडी हो चुके हैं। ऑयल गरम है, गरम ऑयल में हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ते डाल देंगे। हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ है, उसको हम ऑयल में डाल देंगे और अच्छी तरह से ऑयल में प्याज को मिक्स कर देंगे। तैयार किया हुआ लहसुन का पेस्ट भी हम प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। प्याज और लहसुन को अच्छी तरह से पका लेंगे। प्याज और लहसुन बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल रिलीज हो चुका है। अब हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने तैयार किए करके रखा हुआ है, अच्छी तरह से पका लेंगे। टमाटर, प्याज और लहसुन बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, आइए मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। 1/4 चम्मच हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। आलू दो प्याज बना रहे हैं तो ये सब्जी स्पाइसी बनती है, इसलिए हमने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे हरा धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी ली है, इसको भी इस तरह से
मसल लेंगे और डाल देंगे सब्जी में। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लगभग 2 मिनट के लिए मसालों को पका लेंगे। काजू और मगज के बीज का जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा है वो भी हम सब्जी में डाल देंगे। इससे सब्जी हमारी बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनती है। आधा कप पानी जो हमने झाड़ धो के रखा था इसको भी हम सब्जी में ही डाल देंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। 2 मिनट के लिए हम ग्रेवी को ढक देंगे ताकि मसाले, काजू और मगज के बीज सभी चीजें अच्छी तरह से पक जाएं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है, पर इसमें ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल कलर नहीं आया है, इसलिए हम डाल देंगे छोटा आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बिल्कुल ऑप्शनल है, ये इसमें कलर होता है इसलिए हमने ये मिर्च डाली है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए, क्योंकि सब्जी के टेस्ट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कलर में फर्क पड़ता है। अच्छी तरह से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी के कलर में काफी चेंज आ गया है। अब हम डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू। प्याज अभी नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ हम आलू ही डालेंगे। आलू डाल के ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बनके तैयार हुई है, और आप यकीन मानिए खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, घर सारा महक चुका है। अभी हम 2 मिनट के लिए लिड को लगा देंगे ताकि जो आलू है वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। किसी भी आलू में अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो अच्छी तरह से पक जाएगा। प्याज हमने नहीं डाला है। 2 मिनट हो चुके हैं, आइए लिड को हटा के सब्जी चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बनके तैयार हुई है। अब हम डाल देंगे फ्राई किए हुए प्याज, क्योंकि प्याज के बिना तो ये सब्जी बिल्कुल अधूरी है। प्याज को भी हम सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी आलू दो प्याज बनके रेडी हुई है। अगर आपको मसाले कम लगते हैं तो आप इस स्टेज पे और भी डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे छोटा आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला भी हमने डाल दिया है। अच्छी तरह से गरम मसाले को मिक्स कर देंगे। अगर आपको सब्जी की ग्रेवी थिक लगती है तो आप इसमें पानी डाल के या दूध डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। आइए गर्मा गर्म सब्जी को सर्व कर देते हैं। आलू दो प्याजा सब्जी को हमने सर्व कर दिया है। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।